वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन है, जो आपके घर में रोज यूज किया जाता है। आज हम गुड़ के फायदों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गुड़ एक ऐसी चीज है जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके बीपी के कंट्रोल के लिए अच्छा है, यहाँ तक कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको भी कभी कभी गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। तो गुड़ जो है, जैसे हम नॉर्मली अब छोड़ते जा रहे हैं स्वीटनर्स, हम दूसरे चॉकलेट्स वगैरह पे जा रहे हैं या रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, तो गुड़ को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। जबकि गुड़ जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, चाहे आपको आंतों से जुड़ी हुई समस्या हो, हार्ट से जुड़ी हुई समस्या हो, खून की समस्या हो, पेट से जुड़ी हुई समस्या हो, आपके पीरियड से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है या खून की कमी हो गई है, तो गुड़ जो है हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। ये कुल मिला के जो गुड़ है इसमें इतने सारे गुण हैं। गुड़ के गुणों के बारे में बात करें तो शायद पूरा दिन लग जाए, लेकिन आज हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप गुड़ खाने से फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सभी को फिल करते हैं। नेक्स्ट चीज ये होती है कि एक तो ये नेचुरल सोर्स होता है, प्राकृतिक शुगर होती है इसकी, तो इसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। आप इसे नॉर्मली बाजार में बहुत तरह के गुड़ मिलते हैं, लेकिन अगर आपको नेचुरल तरीके से बना हुआ गुड़ मिलता है जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, वो मिल सके तो वो जरूर आप यूज़ कीजिए, और उसके जितने फायदे हैं उतने आपको पता भी नहीं होंगे। तो चलिए इसके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि गुड़ में क्या क्या होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। इसके अलावा इसमें इतने गुण होते हैं जो कि आपकी किसी न किसी बीमारी पे काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गुड़ कौन कौन सी बीमारियों को हील करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़ के बारे में, तो गुड़ खाने का तरीका क्या होता है। गुड़ खाने का तरीका होता है, अगर आपने देखा होगा या आपके घर में अभी भी ये रिवाज चल रहा होगा, तो खाना खाने के बाद एक गुड़ की डली जो है वो खाई जाती है, ताकि आपको जो क्रेविंग्स होती है कुछ मीठा खाने की उसकी पूर्ति हो सके, साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व जो है हमारी बॉडी में चाहिए, उन सभी की आपको नीड जो है वो पूरी हो सके। इसके अलावा अगर आपने पुराने रीति रिवाजों को जानते हैं, तो जब मेहमान कोई घर पे आता था तो उसको पानी के साथ में एक गुड़ की डली दी जाती थी। तो गुड़ की डली देने का मतलब ये होता है था कि जो इंसान थका आ रहा है तो उसमें एनर्जी वापस आ जाएगी, साथ ही साथ इसके जो गुड़ खाने से जो होता है, एक तो खून की कमी दूर होती है, डाइजेशन बेहतर होता है, ये डिटॉक्सीफाई का काम भी करता है। तो ये इतनी अच्छी मिठाई है जिसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर रेगुलर तौर पर लेना शुरू कर सकते हैं गुड़ को। तो अगर आपको ये लगता है कि एक ऐसा ही नॉर्मल है जो शुगर केन का जूस है और ये है वो, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर होता है गुड़, अगर आप रेगुलर तौर पर गुड़ का सेवन करते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसका इम्यूनिटी इस तरीके से बूस्ट होता है कि इसमें होते हैं फ्री रेडिकल्स को रोकने के गुण, जिसके कारण से जो है बुढ़ापा, झुर्रियाँ नहीं आती हैं, साथ ही साथ बहुत सारी गंभीर बीमारियों से यह रोकता है। तो ये उसके साथ में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने से आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। दूसरा होता है एनीमिया, क्योंकि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में होता है। एनीमिया का मतलब जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो रेड ब्लड वेसल जो है कम हो जाते हैं, कई बार कई बीमारियों की वजह से भी हो जाते हैं, उसको बढ़ाता है। जब नेक्स्ट होता है इसका एनर्जी बूस्टर के रूप में ये काम करता है। जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी है तो इसका मतलब कि हो सकता है आपको खून की कमी हो, जिसके कारण से पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और आपको एनर्जी लो फील होती है। तो जब आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आपको नेचुरली तरीके से एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये आप रात के समय इसको ले सकते हैं एक ग्लास दूध के साथ में, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छी से फ्रेश मॉर्निंग होती है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरा इसका यह फायदा होता है, जो लोग रात में गुड़ लेते हैं या दूध के साथ में गुड़ लेकर सोते हैं, उनकी अनिद्रा की जो समस्या होती है उसको दूर करती है। गुड़ जो होता है आपकी नींद को अच्छा लाने के लिए, या आपको अगर नींद संबंधी समस्या है, नींद सही से नहीं आती है, तो आप रात में
दूध और गुड़ ले सकते हैं, जिससे नींद जो है बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट होता है ये वेट लॉस में मदद करता है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वो भी गुड़ का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हॉर्मोन्स पर असर डालता है। इसमें पोटेशियम होते हैं जो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करता है, और साथ ही साथ जो लोगों को वाटर रिटेंशन हो जाता है यानी अपने शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण से शरीर फूल जाता है, तो उसको भी कम करता है। तो जिसके कारण से आप पतले दुबले होते हैं और एनर्जेटिक भी रहते हैं। इसके बाद है ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है। हाई बीपी की समस्या आजकल सभी को हो गई है, तो अगर आप हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आयरन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। पोटेशियम सोडियम जो होते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हाइपोटोरनल जो चोट्स होती हैं उनको दूर करता है, उनकी रिकवरी करता है गुड़। तो हाइपोटोरनल जो चोट्स होती हैं वो हमारे शरीर के अंदरूनी तौर पर होती हैं, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण से हो जाती हैं, इनके संपर्क में आने पर बढ़ जाती हैं, तो ये उसको कम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके फायदे की बात करें तो ये जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन बहुत है, जहाँ धुआं आपको लगातार आता रहता है, या फिर गांव में जो लोग हैं खाना चूल्हे वगैरह पर बनाते हैं, भट्टी पर बनाते हैं, सब कुछ भी काम, जिसके कारण से धुआं जो है आपके फेफड़ों में जाता है, तो इससे क्या होता है आपके फेफड़े जो है डैमेज हो जाते हैं, इनमें घाव बन जाते हैं, या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जा करके वहाँ फंस जाते हैं और वहाँ घाव बनाते हैं। तो इसकी रिकवरी के लिए भी गुड़ अच्छा होता है, और ये रिसर्च की गई थी और रिसर्च में पाया गया कि जो लोग गुड़ का सेवन करते हैं उनकी फेफड़ों में जो घाव है उनको जल्दी रिकवरी मिलती है। इसके दिल का जो है हार्ट की कैपेसिटी को अच्छा करता है, हार्ट रेट अच्छा करता है, हार्ट की कार्य क्षमता जो है वो बढ़ाता है गुड़, क्योंकि इसमें है ना सोडियम पोटेशियम होता है जो कि हार्ट के लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और बीपी भी कंट्रोल करता है, जिसके कारण से इसके रिस्क कम हो जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं में बात करें तो गुड़ जो होता है मासिक धर्म में होने वाले दर्द, एटन क्रैम्प्स, पीएमएस के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करता है। तो आप इस टाइम पर भी गुड़ ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ खाने से आपकी बॉडी से एंडोमॉर्फिन हॉर्मोन्स रिलीज होता है जो आपको खुशी का एहसास दिलाता है, जिसके कारण से आपको जो पीएमएस की चिड़चिड़ापन है, दर्द है, ऐठन है, क्रैम्प है, पेट फूलना है, मूड स्विंग होना है, ये जो सभी तकलीफें होती हैं या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है उन लोगों के लिए भी ये गुड़ जो होता है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसके अलावा अब इलाज देखा होगा आपने, जब आपकी दादी नानी आपको एक गुड़ को चटाती थी, जब भी आपको सर्दी होती है, जुकाम होता है या फ्लू हो जाता है, तब कहते हैं गुड़ की चाशनी बना के ले लो, ये आपके लिए फायदेमंद होती है। तो ये इसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये इस क्योंकि इसमें होता है जो कंपाउंड होते हैं वो आपको नेचुरली तरीके से जो है सर्दी जुकाम से बचाते हैं। इसके अलावा जो गुड़ है जोड़ों के दर्द जो लोगों को है उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो कि हड्डियों में होने वाले क्षरण को रोकता है, हड्डियां जो कमजोर होती जाती है उसको रोकता है, उसकी रिकवरी करने में मदद करता है, जिस कारण जोड़ों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, आंतों में कोई इसी तरह के घाव है, इन्फेक्शन है, उन लोगों के लिए भी गुड़ अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा जिन लोगों को हिचकी की प्रॉब्लम, कई बार ऐसा होता है हिचकी लगातार बार बार बहुत देर तक चलती रहती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ की डली को लेना है, गर्म पानी के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं, साथ में अदरक इसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों में अगर आपका शुक्राणु कमजोर है या आपको पुरुष कमजोरी है, तो ये गुड़ जो होता है उसके लिए भी अच्छा होता है, उसके लिए फायदेमंद होता है, जो कि पुरुषों की जो कमजोरी होती है, शुक्राणुओं की कमी होती है, उसको मजबूत बनाने का काम करता है। तो गुड़ के बारे में अगर बात करते जाएं तो इतने सारे उसके गुण हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो इसको रोज एक डली जो गुड़ है आप ले सकते हैं और इतने सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।